tô vermelho na cabeça. Tem uma... झांकी जो निकाली गई है इसके बारे में क्या बताइए? होली का त्यौहार रामपुर राजौरी में जिस तरीके से भारत में मनाया जाता है, रामपुर राजौरी में अलग से मनाया जाता है। होली आते ही यहाँ की जितनी आवाम है, यहाँ की भाईचारा दिखने लगता है, युवा पीढ़ी सारी साथ होती है। ये जो है त्यौहार है, यहाँ पे पहले हनुमान जी की झांकी, फिर भैरव जी की झांकी निकाली जाती है, उसके बाद हर दिन यहाँ पे भैरव जी की झांकी, एक दिन यहाँ, एक दिन जवाहर नगर, जिसमें बिना मतलब मिल यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ की एक बैंक कमेटी हमारी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं विशाल दत्ता जी, और उनके साथ पूरी टीम है, राजेश जी, निशु जी, सुकेश काका जी, आनंद जी, मानना है कि यहाँ पे एक बार काल पड़ गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय बुजुर्ग थे सब ने बैठ के चर्चा की, जिसमें बड़ी बड़ी आयु के लोग थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठ के एक विचार किया, और एक संत महात्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि राजौरी के अंदर एक होलियों में हनुमान जी की और बैठ की जयंती निकली जाए, इसके बाद काल नहीं पड़ेगा। तब से ये जो प्रथा हमारी चलती आ रही है, मेरा मानना है कि जैसे ये कोरोना वायरस बीमारी है, ये जो कोरोना वायरस बीमारी है, सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठ जी के साथ आ रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि भगवान जी को याद करके प्रार्थना करें कि यह जो कोरोना वायरस है, ये खत्म हो जाए। ये यहाँ की परंपरा है, ये यहाँ का इतिहास है, ये यहाँ की मान्यता है। अगर मैं बात करूँ 1947 के एक बुजुर्ग से मेरा मिलना हुआ कई साल पहले, उन्होंने बोला जब मेरी उम्र 12 साल की थी, तब भी यहाँ पे ये जो भैरव जी की झांकी निकाली जाती थी, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की एकता जो, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका पूरे तरीके से यहाँ पे रोल रहता है, और अच्छे तरीके से ये झांकी यहाँ पे निकाली जाती है। मैं अपनी ओर से, रजौरी वासियों की ओर से, जो यहाँ की कमेटी है, विशाल दत्ता जी, उनकी जो टीम है, सुकेश काका जी, राजेश जी, निशु जी, पारसी, और जो लोग नए इस टीम में आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्य करते रहे। जय हिंद, जय भारत।